रुक रुक के ना देख रुक रुक के रुक रुक के ना देख रुक रुक के देख बिना ब्रेक डाउनलोड तक ऐप। मेरी जैसे बच्ची होगी इसका नाम मैंने खुशी से नागरिकता रख दिया तो हमारे को नागरिकता मिल ही जाएगी। मोदी से ये मेरी ख्वाहिश है कि मेरी बच्ची की तरफ से हमारे को नागरिकता मिल जाए। नागरिकता संशोधन बिल को संसद के दोनों सदनों से मंजूरी मिलते ही भारत में रह रहे पाकिस्तान से आए शरणार्थियों के घरों में खुशियां छा गई। कहीं पटाखे चले तो कहीं मिठाइयां बटी। तिरंगा लिए लोग प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह के नारे लगाने लगे। मजनू के टीला इलाके में पिछले 7 साल से रह रहे शरणार्थियों ने तो अपनी नवजात बेटी का नाम ही नागरिकता रख दिया। मेरी बेटी ये खुशी के मारे हमने नागरिकता इसका नाम ही नागरिकता रख दिया। इसी की वजह से बताने नागरिकता मिल जाए, सारे मजनू टीले क्या जो पाकिस्तान से आए हुए उन सबों को नागरिकता मिल जाए। जी सर, क्या कहना चाहेंगे? हमारे को मेरे को बहुत उम्मीद है, किसी को हो ना हो एक माँ को बहुत उम्मीद है कि मेरी जैसे बच्ची होगी इसका नाम मैंने खुशी से नागरिकता रख दिया तो हमारे को नागरिकता मिल ही जाएगी। मोदी से ये मेरी ख्वाहिश है कि मेरी बच्ची की तरफ से हमारे को नागरिकता मिल जाए, क्योंकि सारे जो भी पाकिस्तान के कैंप से आए हुए उनको भी विश्वास हो जाए क्योंकि बच्ची के खातिर ही नागरिकता मिली है। तो भारत की नागरिकता क्यों चाहते हैं? हम भारत के वासी बन जाएंगे, भारत के रहने वाले बन जाएंगे, जैसे दूसरे भी लोग बन रहे हैं ऐसे हम भी जैसे बन जाएंगे। इस वजह से हमारे को नागरिकता चाहिए, हम आजाद बन जाएंगे। बेटी की मां आरती और परिवार को लगता है कि बेटी की किस्मत ने ही उनकी तकदीर बदल दी है। दिल्ली के मजनू का टीला इलाके में काफी संख्या में हिंदू शरणार्थी रहते हैं। राज्यसभा से बिल पास होते ही लोग घरों से बाहर निकलकर नाचने गाने लगे। हाथ में तिरंगा और जुबान पर प्रधानमंत्री मोदी और शाह के लिए नारे थे। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली तक।